गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब सेफ है और घर पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि क्या क्या सोर्सेज है नॉलेज अक्वायर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग मैंने आज छः सोर्सेज बताए हैं जिससे हम लोग नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अथॉरिटी। आज हम लोग अथॉरिटी के बारे में जानेंगे कि अथॉरिटी क्या क्या है। नेक्स्ट है ट्रेडिशन, फिर है एक्सपीरियंस, फिर है डिडक्टिव रीजनिंग, फिर है इंडक्टिव रीजनिंग, फिर है साइंटिफिक मेथड्स। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे छह सोर्सेज है। तो आज हम लोग अथॉरिटी के बारे में जानेंगे कि अथॉरिटी कैसे सोर्स है, कैसे सोर्स है नॉलेज अक्वायरिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अथॉरिटी, प्राधिकरण, हिंदी में से प्राधिकरण कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कंसीडर्स एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। अथॉरिटी जो है ये कंसीडर होता आ रहा है एंशियंट टाइम्स। एंशियंट मतलब बहुत पुराने जमाने, हिस्टोरिकल पीरियड से ही से बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं, कंसिडर करते हुए आ रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है। जो अथॉरिटी दे रहे हैं वो सोर्स ऑफ ट्रूथ है, इससे अलावा ये लोग और कुछ नहीं सोचते। तो ये एंशियंट टाइम से इसको सोर्स माना गया है अथॉरिटी को, कि वो सोर्स ऑफ ट्रूथ है नॉलेज जो है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलायंस अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड सो सॉल्व देयर प्रॉब्लम विदाउट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड एनालाइज ऑफ फैक्ट्स ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमेंस, पेंडेमिक्स। सो वॉट वी कैन सी दैट ह्यूमन जो है, ह्यूमन रिलायंस अथॉरिटी फॉर ट्रूथ। ह्यूमन क्या है, वो रिलायंस करता है अथॉरिटी ढूंढता है फॉर ट्रूथ। तो वो और वो खुद ही सॉल्व कर लेता है जो अथॉरिटीज होता है, उसको खुद जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व कर लेता है बिना किसी चीज़ के, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेता है। और चाहे वो ड्यूरिंग वो फ्लड हो, जब बाढ़ आती है तब भी, और कोई भी पैंडेमिक अभी जैसे आया हुआ है, तो सोल्यूशन खुद ही ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से नॉलेज है जो सोर्स है, जिसको हम लोगों को अथॉरिटी है जो बता रहे हैं कि ठीक है अब पैंडेमिक तो है लेकिन किस तरीके से बचा जा सकता है इसके बारे में अथॉरिटी हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज जस्ट बिकॉज सम अथॉरिटी फिगर स्टार्ट स्टेट्स दैट दे आर ट्रू। इसका मतलब कि ये इन्वॉल्व करता है न्यू आइडियाज़ को, क्योंकि कुछ जो फेमस हैं, जो फिगर्स हैं, फेमस फिगर्स हैं, उन्होंने कहा है, इसी वजह से उनको मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, कि तभी वो नॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये भी एक सोर्स है, जैसे कि अभी बहुत ही महामारी चल रहा है कोरोना का, तो इसमें क्या है कि न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं कि आप घर पे रहिए, आप इस तरह से नहीं रहिए, ऑफिस अगर खुल भी रहा है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। व्हाट इज़ दिस, ये एक अथॉरिटी से आ रहा है, एक हायर फिगरिंग से आ रहा है, हमारे गवर्नमेंट हमें बोल रहे हैं कि इस तरह से कीजिए। तो आप क्या होता है कि इस तरह कोई अगर अथॉरिटी फिगर स्टेट करता है तो हम उसे ट्रू मानते हैं और उसे करते भी हैं। कुछ दिन पहले जो 14 डेज का हमारा लॉकडाउन था, घर पे सभी थे, तो मेंटली जो था सब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे। तो उसी बीच हमारे जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि आप शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली बजाइएगा। सो व्हाट इज़ इट, एक हायर अथॉरिटी ने, एक अथॉरिटी फिगर ने स्टेट किया और उसे हम लोगों ने ट्रुथ माना और सेम चीज़ हम लोगों ने किया। तो अथॉरिटी से हमें ट्रुथ लगता है और वो हमें नॉलेज गेन कराता है। तो अगर हम लोग उसे बाद में जाने कि उससे कोरोना तो नहीं भागता है, बट द थिंग इज दैट कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है थोड़ी देर के लिए वो ख़त्म हो जाता है। 14 डेज जो हम घर पे थे और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था, वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ। सो ये एक हायर अथॉरिटी फिगर स्टेट कर देता है और फिर उसे ट्रुथ का सोर्स मान लेते हैं हम लोग। नॉलेज बाद में गेन होता है कि अथॉरिटी की वजह से हमें नॉलेज गेन हुआ। नेक्स्ट है इंक्लूड्स, ये जो हायर अथॉरिटी इंक्लूड कौन
कौन कौन है, फिगर्स है, बुक्स से हमें मिलता है, डॉक्टर्स डॉक्टर्स अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब करते हैं बिना सोचे समझे, ये टाइम पे ये दवाई खाइएगा, तो हम बिना सोचे समझे उसे खा लेते हैं। वाई? बिकॉज एक हायर, एक अथॉरिटी फिगर ने ये बताया है, इस वजह से हम लोगों ने उसे दवाई को लिया है। प्रिस्ट अगर बोलते हैं, कोई प्रिस्ट बोलता है, कोई पंडित बोलता है कि ये मुहूर्त शुभ नहीं है आपके घर में कुछ लाने के लिए, तो वो हम मानते हैं बिकॉज ऑथोरिटी ने ये बताया है, तो इसको हम लोग ट्रूथ मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अदर रिलीजियस अथॉरिटीज, अदर रिलीजियस बहुत सारे रिलीजियस अथॉरिटीज होते हैं जो हायर अथॉरिटीज रहते हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम ज़रूर मानते हैं। द गवर्नमेंट, अभी जैसे गवर्नमेंट ने हमें बताया है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमें दिए हैं, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से वो हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम इसे बचे रहें, पेंडेमिक से बचे रहें, तो एक जो अथॉरिटी फिगर है उन्होंने बताया, तो फिर हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ विच कांट बी क्वेश्चन बाय एनी वन। ये जो अथॉरिटी हमें देते हैं ऑर्डर्स या फिर कुछ भी बताते हैं, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है बिकॉज हम लोग को लगता है कि वो ट्रूथ है, और जो वी कैनॉट क्वेश्चन, उसके अगेंस्ट हम क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते हैं, उसको हम लोग नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो ये अथॉरिटी से रिलेटेड जो है सोर्सेज है जिससे नॉलेज गेन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है हमारा अथॉरिटी, ये आपको सोर्स ऑफ क्वायरिंग नॉलेज, ये आपको समझ आ गया है। यदि नहीं आया है तो आज हम इसे क्लास में कर लेंगे। धन्यवाद।